हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एससीजी इंजेक्शन के बारे में। एससीजी इंजेक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है, एससीजी इंजेक्शन डॉक्टर आपको कब लगवाते हैं और एससीजी इंजेक्शन लगवाने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी होती है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको एससीजी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए और एससीजी इंजेक्शन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या क्या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी है इसके बारे में भी जानेंगे। अगर वो सब साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, एससीजी इंजेक्शन जिसका कि फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंजेक्शन है, ये जो इंजेक्शन है वो बोथ मेल एंड फीमेल यूज कर सकते हैं। फीमेल्स में ये इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली ये नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एग यानी कि एग के साइज को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ आपके फॉलिकल से एग को रिलीज करने में यानी कि ओवुलेशन इंड्यूस करने में भी मदद करता है। जनरली अगर किसी मेल में डिलेड प्यूबर्टी होता है और साथ ही साथ अगर उनका स्पर्म काउंट लो होता है तो इस केस में भी एससीजी इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, लेकिन फीमेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के लिए ये इंजेक्शन ज़्यादातर यूज किया जाता है। जनरली जो इंजेक्शन है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 10000 इंटरनेशनल यूनिट तक दिया जा सकता है, लेकिन इसका डोज है वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे आपके कंडीशन को देखकर। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका टाइमिंग क्या होता है लेने का। देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो एससीजी इंजेक्शन होता है वो एग डेवलपमेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जा सकता है या फिर आपके ओवुलेशन को इंडक्शन करने के लिए दिया जाता है। सो आपके मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका ये इंजेक्शन कब दिया जाना चाहिए। जो एक का साइज़ होता है जनरली वो फॉलिकुलर स्टडी में पता चल जाता है। एक का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो उसे एग्जामिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जो फॉलिकल होता है उसका साइज ही जनरली जो डॉक्टर से वो स्टडी करते हैं। फॉलिकल यानी कि एक पानी से भरा हुआ एक बल्ब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एग होता है। जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसी दिन से लेकर बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और जब आपका ओवुलेशन टाइम होता है उस टाइम तक एक या दो फिर फॉलिकल वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और उसमें से एक फॉलिकल एग रिलीज करता है। तो जो फॉलिकुलर स्टडी में जब आपका फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर हो जाता है उसी टाइम ही ये जो एससीजी इंजेक्शन आपको दिया जाता है। सो आइए हम बात करते हैं कि एससीजी इंजेक्शन लगवाने के कितने समय के बाद आपका ओवुलेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, एससीजी इंजेक्शन लगवाने के जनरली 36 से लेकर 48 आवर्स के अंदर ही आपका ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि जो फॉलिकल रप्चर हो से उसे जो एग रिलीज हो जाता है, और इसीलिए आपका डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उसी नाइट से और उसके 4-5 दिन तक आपको एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे में रिलेशन में रहना है। कई बार डॉक्टर ये भी रिकमेंड करते हैं कि एससीजी इंजेक्शन लगवाने के 5 दिन पहले भी आपको हर दिन या फिर हर दूसरे दिन आपको रिलेशन में रहना चाहिए ताकि आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एससीजी इंजेक्शन लगवाने के कितने दिनों के बाद आपका प्रेगनेंसी होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि एससीजी इंजेक्शन लगवाने के 36 से 48 आवर्स के अंदर आपका ओवुलेशन होता है। अगर इस दौरान वो हेल्दी स्पर्म से मिल जाता है तो आपका प्रेगनेंसी का पूरा चांसेस होता है, लेकिन एग और स्पर्म को मिलना को प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसीलिए विद इन 48 या फिर 72 आवर्स में आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो आपके जो यूटेरस यानी कि बच्चेदानी के दीवार में चिपकने के लिए और 6 से 12 दिन तक समय लग सकता है। तो इससे जी इंजेक्शन लगवाने के 7 या 10 दिन के अंदर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी होते ही आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, या फिर अभी अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट भी करेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का भी चांसेस नहीं है। तो इसके लिए आपको आपका पीरियड मिस होने का इंतजार करना चाहिए और उसके 3-4 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। चलिए हम जानते हैं कि किस किस कंडीशन में आपको एससीजी इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, यानी कि अगर आपको डॉक्टर सोच रहे हैं कि आपको एससीजी इंजेक्शन लगवाना है तो अगर ये सब मेडिकल हिस्ट्री आप में है तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल भी बताइए। वो सब कंडीशन है कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है और आपका एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको कुछ ब्रेस्ट में ट्यूमर या फिर कैंसर का हिस्ट्री था, या फिर आपको एपिलेप्सी था, या फिर आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको माइग्रेन है, या फिर आपको अस्थमा है, तो अगर ये सब मेडिकल कंडीशन आपको पहले से है तो आपको डॉक्टर को तुरंत ही आप बताएं। इस कंडीशन में जनरली एससीजी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि एससीजी इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। जनरली एससीजी इंजेक्शन लगवाने के बाद थोड़े बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन कई बार कई कई पेशेंट्स को
बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर वो सब साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं तो बिना देरी के आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वो सब साइड इफ़ेक्ट्स है कि अगर आपका हाथ पैर में सूजन आ रहा है और साथ ही साथ अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है और आपको डायरिया हो रहा है, नौजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है और अगर आपको यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी में भी कमी आ गई है और अगर आपको तेज़ पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है, अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं तो आपको बिना देरी के अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी SCG इंजेक्शन लगवाने के बाद तेज़ सिर दर्द हो सकता है, आपके हाथ पैर में थोड़ा सेंसेशन फील होता है, टिंगलिंग जैसा एक्शन हो सकता है या फिर आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं या फिर अनकॉन्शियसनेस हो रहे हैं, तो इस केस में भी बिना देरी के आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर SCG इंजेक्शन के बारे में आपको फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।